बहुत बड़ी पार्किंग है ऐसे अभी बनी है कि यहाँ जितनी भी चीज़ें हैं दो दो एक साल में ही बनी हुई हैं, अभी अभी नई बनी है सारी चीज़ें। ये तो अभी एक डेढ़ महीने पहले स्टार्ट हुई है, ये बन के मतलब कंप्लीट हो गई है दारुक पार्किंग। ये है चार्जिंग वाली बसें, तो यहाँ जो सामने आप लोगों को दिख रहा है, सामने इनका चार्जिंग पॉइंट है, मतलब लगभग लगभग 20 चल रही हैं ये, वृंदावन में 20 करीब हैं, हाँ 10-20 तो होंगी आराम से यार, मैंने वैसे काउंट नहीं किया अभी। तो सामने इनका चार्जिंग पॉइंट है, सारी मतलब यहाँ चार्ज होने आती हैं। ये देख रहे हो, ये सामने टूरिस्ट स्थल, मतलब आप बस वगैरह कुछ भी लेके आते हो तो यहाँ अपनी बस खड़ी करो। वेलकम टू वीडियो सर गाइस, आज भाई देखो कई दिनों बाद धूप निकली है, तो कहीं मतलब काफ़ी दिन से कहीं गए नहीं हैं ब्लॉग ब्लॉग करने, घूमने नहीं गए, बहुत ठंड बहुत ज़्यादा पड़ रही थी, सुबह सुबह धूप भी नहीं निकल रही थी, दोपहर तक धूप, कल तो परसों तो धूप निकली नहीं बिल्कुल, कल थोड़ी बहुत निकली, आज सुबह सुबह धूप निकल आई है, तो मैंने कहा यार चलते कहीं। बाकी ये देखो, पहले देख रहे हो गाइस, ये अराउंड 1 मंथ है वो, मतलब 1 मंथ पहले ली थी, अराउंड 1-1.5 महीने पहले। तो सुबह सुबह इसको घुमाते हैं गाइस, बिकॉज साइकिलिंग अगर सुबह सुबह करो तो बहुत अच्छा रहता है आपकी हेल्थ के लिए, तो इसको सुबह सुबह थोड़ा सा आधे एक घंटे घुमाते हैं, उसके बाद अपने काम वाम पर लग जाते हैं। तो आज जल्दी थोड़ी सी धूप निकल आई, तो आज जाने वाला हूँ मैं घूमने, आप लोगों को दिखाऊंगा वृंदावन में कुछ नई चीज़ें बनी हैं, तो मैं दिखाता हूँ कहाँ बनी है नई चीज़ें, तो चलते हैं वही दिखाता हूँ। बाकी इस बार एक बार इसको देखो इसी से, हाँ आज तो वैसे आज इसी से चलेंगे साइकिल से ब्लॉक करने, तो आज पूरा ब्लॉक करके आएंगे इसी से, हर बार बाइक से जाते थे, इस बार साइकिल चलेंगे, तो साइकिल घुमा भी रहे थे हम 2-3 दिन से, तो मैंने कहा यार चलो साइकिल घुमा भी लाएंगे और ब्लॉक भी हो जाएगा अपना, तो चलते हैं दोनों काम हो जाएंगे। तो गाइस अभी मैं खड़ा हूँ मेन रोड पर, ये हम लोग यहाँ से आते हैं डेली और यहाँ रोड क्रॉस करके जमुना जी आते हैं डेली, तो ये जमुना जी मैंने आप लोगों को दिखा चुका हूँ पहले, तो ये रोड जा रहा है सीधे पानीगाम के लिए, पानीगाम से जा रहा है माट के लिए एक रास्ता, एक जा रहा है राय के लिए, राय से पहले एक कट जाता है दिल्ली वाले हाईवे के लिए, तो सेम चीज़ ये जहाँ जा रहा है यहाँ से जाता है इधर साइड जाके मथुरा और इधर जाता है वृंदावन में, मैंने वृंदावन इसी रोड पर कुछ चीज़ें बनी हुई हैं, नई नई बनी है वो दिखाऊंगा आज मतलब वृंदावन में। तो बाकी हम लोग इधर से आए हैं अभी, इधर का मैंने जहाँ दिखाया नहीं, वहाँ से यहाँ तक आया मैं, बिकॉज पूरे मिट्टी मिट्टी, मतलब रास्ता है प्रॉपर लेकिन मिट्टी मिट्टी है पूरे में, जिस वजह से दिखाया नहीं। बाकी आगे चलते हैं, आगे जो चीज़ें बनी हुई हैं वो दिखाता हूँ मैं, सो चलते हैं। भाई गाइस हवा बहुत तेज़ चल रही है आज भाई, मतलब देख रहे हो इतना चलते हैं आगे रोड, जो कि ये कुछ दिन में यहाँ से 2 लाइन हाईवे होने वाला है, ये देखो साइडों मतलब स्टार्ट हो गया बनना, कुछ दिन बाद बन जाएगा। तो गाइस यहाँ लगा हुआ है, यहाँ एक डॉक्टर है, काफ़ी टाइम से लगा रखा है इन्होंने, 20 रुपये मात्र 20 रुपये में ना भी देखते हैं, मतलब हाथ देखते हैं, बता देते हैं कि क्या क्या प्रॉब्लम है आप लोगों को। मैंने तो ट्राई नहीं किया वैसे कभी, लेकिन करेंगे उधर से आधे समय ट्राई करेंगे यहाँ। बाकी ये देखो गाइस जो सामने भाई ट्रक वगैरह खड़े हुए हैं, रोड का काम स्टार्ट होने वाला है उसके लिए खड़े हैं ये है भाई यहाँ का हेलीपैड वृंदावन का। वृंदावन में वैसे 2 हेलीपैड हैं, एक चेतन विहार साइड है और एक यहाँ है, ये अपने घर से बहुत पास पड़ता है भाई। एक बार हेलीपैड देखो, तो गाइस ये हेलीपैड यहाँ अराउंड 6 महीने में एक आध बार हेलीकॉप्टर आता है, वो भी VIP किसी पॉलिटिशियन वगैरह का, जैसे योगी जी आए हैं 2-3 बार तो उनका हेलीकॉप्टर आया है, बाकी इधर हेलीकॉप्टर आते नहीं है वैसे, जैसे कोई मतलब वैसा नॉर्मल आदमी जो हेलीकॉप्टर करके लाए वैसा कोई आज तक आया नहीं है। मैं मतलब जब से देखा है तब से मैं ये देखा है या तो कोई पॉलिटिशियन आया है या CM वगैरह यही आए, मतलब ज़्यादा कोई आया नहीं है, तो 6 महीने में एक आध बार आता है यहाँ, ज़्यादा डेली कोई आता नहीं है। तो भाई खाली पड़ा रहता है यहाँ, देख रहे हो आप लोग विकेट लगी हुई है सामने, क्रिकेट खेलते हैं, हम भी क्रिकेट खेलते थे, अभी कुछ दिन से तो क्रिकेट बंद है, यहाँ हम भी क्रिकेट खेलते थे। बाकी पूरा ऐसा हेलीपैड है और वहाँ जस्ट सामने देखो गाइड, यहाँ सिलेंडर विलेंडर का कुछ चल रहा है, यहाँ से मतलब सिलेंडर सप्लाई करते हैं, ये ट्रक यहाँ पर सिलेंडर लेके आता है, बाकी जो डिस्ट्रीब्यूटर हैं बाइकों पर डिस्ट्रीब्यूट करते हैं घर घर जाके, वो यहाँ से ले जाते हैं और डिस्ट्रीब्यूट करके आते हैं। तो यहाँ चल रहा है ये गाइस, ये जो सामने रास्ता जा रहा है, पास से दिखाता हूँ यार, ये सामने जा रहा है वहाँ कुछ है, वहाँ अगले ब्लॉग में दिखाऊंगा, कभी अभी नहीं जा रहे वहाँ कुछ है, बहुत अच्छा है दिखाएंगे कभी। तो यहाँ ये CRPF रहती है गाइस, यहाँ पूरे में CRPF रहती है, जैसे कभी कोई मैंने बताना अभी CM वगैरह कोई आता है तो ये पूरी फोर्स वहाँ बोल चले आती है प्रोडक्शन के लिए। बाकी ये पूरा CRPF वालों के लिए ट्रेनिंग का बना हुआ, मतलब प्रैक्टिस वगैरह करते हैं यहाँ, देख रहे हो सामने जो रास्ता है,
वहाँ किसी को आना भी अलाउ नहीं है, तो सही है भाई। लेजेंडर लेजेंडर भाई गाइस, अगर इस रोड पे आप लोग इधर से राय साइड से अगर आते हो वृंदावन में, तो आप पुल से पहले राइट हैंड पे वृंदावन के लिए कट जाता है, वहीं से एंटर कर लो, वहीं कहीं पार्किंग में गाड़ी वगैरह लगा दो, उसके बाद घूमो। सुबह जब माय गॉड देख रहे हो भाई, ट्रैक्टर को भी भगा रहा है, बिकॉज पार्किंग का बहुत इशू रहता है यार, तो आप लोगों को अंदर जाने नहीं देंगे, मतलब थोड़ा थोड़ा भारी गाड़ी वगैरह पार्क करवा देते हैं, वृंदावन में अंदर गाड़ी नहीं ले जाने देते, जैसे शनिवार हुआ रविवार हुआ, थोड़ा सा तेज़ चलते हैं। एक ये रास्ता है यहाँ से आप लोग जा सकते हो, लेकिन संडे शनिवार और रविवार यहाँ पे भी मेन मतलब बैरियर लगा देते हैं, जाने नहीं देते अंदर। आगे दिखाता हूँ, इसी चीज़ के लिए आगे कुछ बना हुआ है कि आप लोगों को एंट्री ना करनी पड़े, और मतलब गाइस ये काफ़ी टाइम हो गया, यानी लगभग हो गए 3-4 महीने चलते चलते इनको, मतलब वृंदावन में ये इलेक्ट्रिक बस स्टार्ट हो गई है, इनसे गाइस अच्छा है, पॉल्यूशन नहीं होता, वृंदावन में बहुत सारे मंदिर वगैरह हैं, उनको हार्म नहीं होगा। बाकी ये है यहाँ की मंडी, जो कि अभी कुछ टाइम मतलब अराउंड 1-1.5-2 साल हो गई इसको बने, पहले थी मेन बाज़ार में, तो वहाँ से यहाँ शिफ्ट कर दिए, वहाँ जगह बहुत कम थी, जिस वजह से यहाँ बड़ी मंडी बना दी है, यहाँ आपका अनाज या सब्ज़ी फ्रूट वगैरह सारी चीज़ें यहाँ मिलती हैं, मतलब बड़ी मंडी है बेसिकली वृंदावन की। हालांकि बाज़ार में अभी भी लगती है, लेकिन वो बहुत छोटी है, तो उतना ज़्यादा कुछ नहीं है जितना यहाँ है, जिस वजह से इस रोड पर मतलब पूरी जगह जगह थी, तो जिस वजह से यहाँ पर बना दिए। बाकी भाई प्लांटिंग कर रहे हैं साइडों में, बिकॉज ये यहाँ से तो 2 लाइन हो गया है, लेकिन आगे से 2 लाइन होना बाकी है, तो यहाँ प्लांटिंग वगैरह चल रही है। गाइस काम बहुत अच्छा चल रहा है वृंदावन में भाई, आवाज़ ऐसी आ रही है, बहुत ज़्यादा थक गया साइकिल चलाते चलाते यार, काफ़ी निकला है हम लोग, अराउंड 1.5 किलोमीटर बहुत होता है। बाकी ये नगर निगम मथुरा वृंदावन आपका हार्दिक स्वागत करता है भाई, यहाँ से एंटर करते वृंदावन में भाई, थक गए गाइस। ये है गाइस यहाँ पार्किंग, दारुक पार्किंग बना रखी है वृंदावन में, देखो सामने दिखाता हूँ, दारुक पार्किंग मतलब जैसे यहाँ से सामने से मथुरा से आते हैं पब्लिक, तो अंदर वृंदावन में एंट्री नहीं होती, तो यहाँ गाड़ी वगैरह खड़ी कर दो, बहुत बड़ी पार्किंग है, ऐसी अभी बनी है, तो यहाँ जितनी भी चीज़ें हैं दो एक साल में ही बनी हुई हैं, अभी नई बनी है सारी चीज़ें, ये तो अभी 1-1.5 महीने पहले स्टार्ट हुई है, ये बन के मतलब कम्प्लीट हो गई है दारुक पार्किंग, तो सरकारी पार्किंग है ये, यहाँ आप लोग गाड़ी खड़ी कर, गाइस वृंदावन में पार्किंग का बड़ा इशू आता है गाइस, ऐसे 2-3 लगभग 4-5 लोगों से तो मैं ही मिलाऊँ, एक बार पार्किंग देखो भाई, मतलब उधर से एंट्री इधर से एग्जिट, काफ़ी बढ़िया भाई, कम से कम 1000 गाड़ी आराम से आ जाएंगी अंदर, तो पार्किंग की बड़ी इशू रहता है गाइस, मैं ऐसे 5-6 लोगों से मिलाऊँ जो मतलब अपनी गाड़ी खरीद करके ब्यारजी पे मिला था, ब्यारजी पे दर्शन करने आए थे वो लोग, और उन्होंने पार्किंग में गाड़ी खरीद कर दी अपनी, उसके बाद वो लोग भूल गए, पार्किंग भूल गए कि हमने कहाँ गाड़ी खरीदी, वो लोग फिर पूछते हैं भाई, वो चीज़ बहुत गलत हो जाती है, उनके पास मतलब कुछ था भी नहीं पार्किंग का, हमने पार्किंग का नाम वगैरह कुछ था भी नहीं उनके पास, तो भाई वो बोल रहे थे कि 4-5 पार्किंग में ट्राई कर चुके हैं, लेकिन वहाँ कहीं भी हमने गाड़ी खरीदी थी, हम लोग भूल गए कि गाड़ी कहाँ खड़ी गई थी, तो वो बड़ा मसला रहता है, बिकॉज एंट्री वृंदावन में मिलती नहीं है, बाहर बाहर कहीं खड़ी करा देते हैं वो लोग, पार्किंग वगैरह मिलती है तो कहीं खड़ी कर देते। अब ये प्रॉपर यहाँ से आप लोग एंट्री करो वृंदावन में, यहाँ आप खड़ी कर दो, आपको नाम याद रहेगा, वो नाम याद नहीं भी रहे तो ये लोग कुछ देते हैं पर्ची वगैरह देते हैं प्रॉपर कि ये आप कहीं भी पूछ सकते हो, अगर भूल जाओ तो भाई एंट्रेंस है कोई भी बता देगा, यहाँ ये चीज़ बहुत अच्छी है पार्किंग का, तो यहीं एंट्री करो, बाकी आगे से आपको ऑटो वगैरह मिल जाते हैं, बाकी आगे से आप लोगों को ऑटो वगैरह मिल जाते हैं, आप उनमें यहाँ से जा सकते हो, यहाँ अपनी गाड़ी खड़ी करके। बाकी ये देखो गाइस, ये है चार्जिंग वाली बसें, तो यहाँ जो सामने आप लोगों को दिख रहा है, सामने इनका चार्जिंग पॉइंट है, मतलब लगभग लगभग 20 चल रही है ये वृंदावन में, 20 करीब हैं, हाँ 10-20 तो होंगी आराम से यार, मैंने वैसे काउंट नहीं किया अभी, तो सामने इनका चार्जिंग पॉइंट है, सारी मतलब यहाँ चार्ज होने आती हैं, एक बार चार्ज कर जाती हैं, पूरे दिन चलती हैं, फिर उसके बाद शाम को चार्ज करने आती हैं, मतलब कुछ होगा इनका जैसे भी ये लोग करते होंगे, बट सामने यहाँ चार्ज होती हैं सारी, और चार्जिंग पॉइंट भी गाइस काफ़ी बड़ा है। उसके बाद ये है गौशाला, आगे चलते हैं, आगे दिखाता हूँ आप लोगों को गाइस, ये चीज़ बहुत अच्छी होगी कि आप लोग जैसे ही वृंदावन में एंट्री करो, यहाँ बाइक वगैरह खड़ी कर दो, और मतलब उतना ज़्यादा नहीं भूलोगे, जैसे अभी वृंदावन में 1000
वो है पार्किंग। अब आपने कहाँ खड़ी की पता ही नहीं चलता। अब एंट्रेंस से जैसे ही वृंदावन में एंट्री करो, यहाँ खड़ी करो, उसके बाद ऑटो पकड़ो या ई रिक्शा पकड़ो, उसके बाद अपना घूमो। ये करो, ये सामने टूरिस्ट स्थल, मतलब आप बस वगैरह कुछ भी लेके आते हो तो यहाँ अपनी बस खड़ी करो। वैसे भी बहुत गाइड मिल जाते हैं यहाँ से जो घुमाते रहते हैं, बाकी नहीं भी गाइड मिले तो आप ऑटो करो यहाँ से। देखो लाइन से सारे ऑटो इसीलिए लगे हुए हैं, ऑटो करो यहाँ से और अपना जहाँ भी जाना आप लोगों वहाँ जा सकते हो। तो ये भी काफ़ी अच्छी चीज़ है गाइस। बिकॉज बसें वगैरह खड़ी होने में मतलब पंगे होते हैं, कहीं खड़ी नहीं होने देते वृंदावन में, बिकॉज भीड़ होती है गाइस अंदर लेके जाओ तो। इसलिए यहाँ टूरिस्ट ये टूरिज्म बना रखा है अपना। यहाँ आराम से बसें वगैरह खड़ी करो, उसके बाद खूब घूमो, कोई दिक्कत नहीं। जैसे अभी ये लोग देख रहे हैं टमटम सारी वहीं से जा रही हैं, वहाँ उन्होंने गाड़ी वगैरह बस वगैरह पार्क कर दी, उसके बाद ये लोग टमटम करके मतलब ई रिक्शा करके अपने वृंदावन में घूमने जा रहे हैं अंदर। ई रिक्शा को ज़्यादातर मतलब परमिट कर देते हैं अंदर जाने के लिए, हालांकि कहीं कहीं नहीं भी घुसने देते हैं बिकॉज ज़्यादा भीड़ हो जाए उस वजह से। मंदिरों के आसपास नहीं जाने देते, मंदिरों से थोड़ी दूर जाने देते हैं। तो ये सही है गाइस। इससे क्या है कि क्राउड भी नहीं होगा ज़्यादा, पब्लिक को परेशानी भी नहीं होगी। कुछ समय पहले एक हादसा हो गया था, ऐसे ही ऑटो वगैरह के नीचे एक बच्चा आ गया था, तो मतलब उस चीज़ से तो बचेंगे गाइस। भीड़ नहीं होगी तो आराम से चलेंगे सारे लोग। ये अच्छा, अभी आ गए गाइस। ये है मायावती हॉस्पिटल, तो ये तराया है मैंने अभी। ये जो गाइस ये रास्ता आ रहा है मथुरा से, मथुरा से ये अंदर वृंदावन के लिए जाता है। बाकी इधर तो मैंने बताया, इधर से अभी हम लोग आएंगे तो ये हमारे पेड़ पीछे रास्ते आता है पानीगाम, पानीगाम से माँ ट्राया वगैरह मैंने बताया। अभी ये सारी जो भीड़ है वृंदावन में अंदर जाता है, तो ये जाता है वृंदावन में। यहाँ आप लोग मथुरा से आते हो तो यहाँ खड़ी कर दो गाड़ी वगैरह, उसके बाद आप लोग वृंदावन में घूमो प्रॉपर। तो अभी हम लोग सीधे यहाँ से जो चलेंगे अटला चुंगी, अटला चुंगी से फिर जाएंगे घर। तो अटला चुंगी चलते हैं, बीच में दिखाता हूँ क्या क्या पड़ता है। भाई यहाँ लगे हुए हैं भाई काफ़ी पुलिस वाले, बस ट्रैफिक ट्रैफिक को मैनेज करने के लिए। भाई हम निकलते हैं भाई, 5 मिनट होगी खड़े खड़े वहाँ। तो यहाँ प्रॉपर लगे हुए हैं इसी वजह से गाइस कि वृंदावन में भीड़ नहीं हो, बिकॉज वृंदावन में भीड़ हो जाती है काफ़ी ज़्यादा, इस वजह से देख रहे हो यहीं पूरी गाड़ियों को रोक दे रहे हैं पार्किंग में जाने के लिए। तो भाई सही सीन है। ये वृंदावन का भाई एंट्री गेट देख रहे हो, मतलब वृंदावन के जितने भी एंट्रेंस हैं सारे अच्छे बना दिए हैं। अभी छठीगढ़ वाला मूरा वृंदावन लिखा हुआ भाई, इतना बढ़िया लगता है बहुत ज़्यादा। और पानीगाम से आते हैं वो जो पुल है उधर एंट्रेंस, भाई क्या ही लगता है वहाँ, पूरे में राधे राधे मूरा वृंदावन लिखा हुआ है। तो मतलब अब वृंदावन अच्छा लगता है, कहीं से भी एंट्री करो या एग्जिट करो अच्छा लगता है। बाकी ये रोड अभी बन रहे हैं, 2 लाइन तो बन गया है लेकिन ये बड़े होने हैं थोड़े से, तो उसका काम चल रहा है। अब भी आप लोगों को पुलिस मिलेगी हर जगह बिकॉज ट्रैफिक वगैरह को मैनेज करने के लिए। तो सही है भाई, तरक्की हो रही है अपने वृंदावन में। भाई ये चेतन विहार के लिए बाई टाइम पे, अगर ऐसे देखे तो हमने बाई टाइम पे कोई आ रहा हो चेतन विहार के लिए जा रहा हो, छठीगढ़ हो गया, आप लोग इधर से एंटर कर सकते हो। बाकी अभी हम लोग जा रहे हैं सीधे अटला चुंगी। ऐसे बसों का सही सीन हो गया भाई, ये चलती रहती हैं। अब मथुरा जाना, गोवर्धन जाना, बरसाना जाना, यहाँ से सीधे जा सकते हो, तो ये चीज़ बढ़िया लगी भाई। गाइस हम लोग पहुँचने वाले हैं अटला, सामने बाकी गाड़ी अंदर वो लगा हुआ है अंदर जाने के लिए। तो वहाँ से और अटला चुंगी तक कहीं पार्किंग नहीं है, देख रहे हो आप लोग साइडों में गाड़ी वगैरह खड़ी अगर रखी है, बट यहाँ अलाउ नहीं है, वो तो खड़ी हुई है यहाँ बिकॉज वहाँ पार्किंग बना रखी है, तो उधर से इधर आने नहीं देते। जो लोग आ चुके हैं उन्होंने ऐसे खड़ी कर रखी है। बाकी ये तो हॉस्पिटल की हैं, पीछे बस वगैरह खड़ी है वो वैसी हैं। तो यहाँ कहीं मतलब यहाँ तक पार्किंग नहीं है, वहाँ से यहाँ तक वहीं खाली पार्किंग है, वहाँ खड़ी करो, उसके बाद अंदर पार्किंग है और इधर उधर भी पार्किंग है। गाइस इससे अच्छा कि वहीं खड़ी करे भाई। गाइस अभी आ चुके हैं हम लोग अटला चुंगी पे। गाइस ये है अटला चुंगी, तो ये मेन चौराहा है। देखो गाइस ट्रैफिक लगा हुआ है यहाँ भाई, गाइस ये है मेन चौराहा, ये जा रहा है परिक्रमा सीधी और ये उल्टी परिक्रमा जा रही है। तो ये सीधा जा रहा है मार्केट के लिए, मतलब मेन बाज़ार के लिए अंदर वृंदावन में। तो बाकी ये मेन है गाइस,
गाइस परिक्रमा भी चल रही है। गाइस हम लोग आ चुके हैं इधर से क्रॉस करके, इधर सामने जा रही है परिक्रमा, ये उल्टी परिक्रमा, तो अपने को इधर ही जाना है, बिकॉज़ अपना घर इधर ही पड़ता है। तो ये देखो गाइस आज भीड़ काफ़ी है, बिकॉज वृंदावन में मतलब परिक्रमा चल रही है थोड़ी बहुत, और बाकी भाई वृंदावन है, वृंदावन में भीड़ तो रहती है। तो ठीक है गाइस, बस आज हमारा यहीं तक मतलब यहीं तक का था साइकिल में, मतलब ब्लॉग करके भाई बहुत मज़ा आया, बहुत मज़ा आया ब्लॉग करके। बाकी थोड़ा सा डिफिकल्ट होता है फोन से ब्लॉग करने में, बिकॉज एक हाथ से हैंडल पकड़ो और एक हाथ से फोन पकड़ो, फोन होल्ड करो, तो थोड़ा सा डिफिकल्ट होता है, लेकिन मज़ा बहुत आया। तो आज वीडियो में इतना ही, फिर मिलते हैं इस वीडियो में, तो कर ले।